हेलो क्लास, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूल के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, इन सभी सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कोयले की संरचना, कोयला जो है उसका संरचना क्या होगा। तो जो कोयला है हमारा, इसमें अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग पढ़ें अगर, तो जो कोयला हमारा है इसमें देखिए, कोयले की रासायनिक संरचना को निम्नलिखित विधियों द्वारा विभक्त करते हैं। मतलब क्या है कि कोयले की जो रासायनिक संरचना है, उसको दो विधियों द्वारा बांटा गया है या विभक्त किया गया है। वो दो विधियां जो हैं, पहला प्रत्यक्ष विश्लेषण है, दूसरा अंतिम विश्लेषण है। प्रत्यक्ष विश्लेषण का मतलब होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्या होता है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अंतिम विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टीमेट एनालिसिस। दो प्रकार मैंने आपको बताया, एक प्रत्यक्ष विश्लेषण, दूसरा अंतिम विश्लेषण। तो पहले पार्ट को अगर हम ध्यान में रखते हैं, पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष विश्लेषण को, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को, तो इसके अंतर्गत हम नमी, ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं हम, एनालिसिस ऑफ कोयल, कोयला का एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, या फिर कहिए कोयले की संरचना को हम देख रहे हैं, कोयले की संरचना, या फिर कहिए कंपोजिशन ऑफ कोयल, मतलब कि कोयल में क्या क्या कंपोजिशन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, क्या क्या मिला है, कितना मिला है, ये सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे और दो पार्ट में देखेंगे। पहला प्रत्यक्ष विश्लेषण, दूसरा अंतिम विश्लेषण। प्रत्यक्ष विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अंतिम विश्लेषण को कहते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। प्रत्यक्ष को अब अगर पढ़ें क्या लिखा है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इसके अंतर्गत हम नमी, उड़नशील पदार्थ, राख और कार्बन की संरचना, कंपोजिशन प्राप्त करते हैं, क्या क्या प्राप्त करते हैं, इनके अंतर्गत हम नमी, मतलब मॉइस्चर, उड़नशील पदार्थ, उड़नशील मतलब कि वोलाटिलिटी, जिस पदार्थ में होता है, मतलब कि जो वाष्पशील हो जाती है पदार्थ, मतलब कि उड़ जाता है, जैसे पानी है, पानी ही अगर है, पानी क्या होगा, अत्यधिक गर्मी पाने पे नमी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वही चीज है, पदार्थ राख और कार्बन की संरचना, प्राप्त करते हैं। यहाँ कोयले के विश्लेषण, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रत्यक्ष विश्लेषण के अंतर्गत लिखा हुआ है, यहाँ कोयले के विश्लेषण से हमको एक मुख्य महत्वपूर्ण जानकारी कोयले के विषय पर मिलती है। तो अगर देखा जाए, एक बॉक्स बनाया है, ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, किसका, अव्यय का दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है नमी, उसके बाद लिखा है वाष्पशील पदार्थ, उसके बाद लिखा है राख, उसके बाद लिखा है निश्चित स्थिर कार्बन, यानी फिक्स्ड कार्बन। तो ये एक चार्ट बनाया है आपको, दो एक लाइन का,
अव्यय मतलब है कि कितना प्रतिशत कौन सा अव्यय है। तो जैसे नमी अगर है किसी कोयले में तो कितना होगा, 3 से लेकर के 30% तक, 3 से लेकर 30% तक क्या है, नमी है। वाष्पीय पदार्थ जो हमारा है वो है 3 से लेकर के 50% तक। राख एस जो हमारी है वो 2 से लेकर के 30% तक है। और फिक्स कार्बन जो हमारा है वो 156 से लेकर के 290% तक होगा। इसमें किताब में गलत लिखा है। तो यह एक चार्ट है, यह एक चार्ट है कि नमी की कितनी प्रतिशत की मात्रा होगी, वाष्पशील पदार्थ वोलेटिलिटी मटेरियल मैटर की कितनी मात्रा होगी, राख एस की मात्रा कितनी होगी, फिक्स्ड कार्बन की मात्रा कितनी होगी। तो ये प्रत्यक्ष विश्लेषण है, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब कि सीधे सीधे है, ठीक है। अंतिम विश्लेषण जो हमारा कहता है, दूसरा जो लिखा है अल्टीमेट एनालिसिस, इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यह हमको कोयले के कंपोजिशन में, यह हमको कोयले के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा राख आदि पदों को व्यक्त करता है। मतलब क्या हुआ बाबू कि अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे या किन किन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट एनालिसिस, अंतिम विश्लेषण, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा राख आदि पदों को व्यक्त करता है। तो इसमें देखा जाए अगर यह विश्लेषण हमको पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु की मात्रा को बताता है, वायु की मात्रा को बताता है। इस विश्लेषण एनालिसिस के द्वारा हम ईंधन का ऊष्मीय मान निर्धारित नहीं कर सकते, हम ईंधन का मान उसमें मान निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर इसका हम लोग परसेंटेज देखते हैं, अव्यय मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या है, उसको प्रतिशत में है, कार्बन का कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, सल्फर कितना है, नाइट्रोजन कितना है, राख कितनी प्रतिशत है। तो कार्बन हम देखेंगे 50 से 95% जा रहा है, हाइड्रोजन 2 से 5 जा रहा है, ऑक्सीजन 2 से 40 जा रहा है, सल्फर 0 से लेके 5.3 जा रहा है, नाइट्रोजन 5 से 7% जा रहा है, राख 2 से 30% जा रही है। आप इन दोनों का मतलब बस इतना ही समझिए, प्रत्यक्ष विश्लेषण जो है हमारा, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है हमारी, वो क्या है, उसमें हम सिर्फ नमी को देखते हैं, उड़नशील पदार्थ को देखते हैं, राख को देखते हैं,
फिक्स्ड कार्बन को देखते हैं। इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विश्लेषण के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव ईंधन की। द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल्स लगभग सभी कॉमर्शियल द्रव ईंधन प्राकृतिक कच्चे पेट्रोलियम तेल से ही प्राप्त किए जाते हैं। ये तो सर्वाधिक सत्य है जो आपको मैंने बता चुका है बहुत पहले कि जो कच्चे तेल प्राकृतिक कच्चे तेल होते हैं उन्हीं से हम पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल जो है प्राप्त करते हैं। और ये जो पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल जो होता है वो द्रव ईंधन के अंतर्गत आता है। कच्चा तेल जो हमारा है 83 से 87% कार्बन, कच्चा तेल जो है हमारा वो 83 से 87% कार्बन ~10-14% हाइड्रोजन तथा बहुत कम मात्रा में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा धात्विक पदार्थ रखता है। मतलब अगर देखा जाए तो लिक्विड फ्यूल जो है हमारा अत्यधिक भाग सबसे हाईएस्ट नंबर जो है कार्बन की है, परसेंटेज जो है कार्बन की रखता है। उसके बाद हाइड्रोजन की रखता है 10-14%। उसके बाद रखता है बहुत कम मात्रा में सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कुछ धात्विक पदार्थ होते हैं, कुछ मेटल मटेरियल्स होते हैं। अब पैरा चेंज करके मैं आपको समझाना चाहूंगा, उपयोगी ईंधन को कच्चे तेल के डिस्टिलेशन प्रक्रम में प्राप्त किया जाता है। उपयोगी ईंधन को कच्चे तेल के डिस्टिलेशन से प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो हम उपयोग करते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, ये सब कच्चा जो तेल होता है, सबसे पहले प्राकृतिक तेल ही हमें मिलता है, प्रकृति से, नेचर से हमें प्राकृतिक तेल, कुओं से तेल मिलता है। तो तेल हमारा कैसा होता है, नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है। उस प्राकृतिक कच्चे तेल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं बाबू, एक प्रोसेस करते हैं, कौन सा, डिस्टिलेशन करते हैं। और वो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो वो हमें उपयोगी अवस्था में कर देता है, वो हमारे उस कच्चे तेल को क्या कर देता है, उपयोगी अवस्था में कर देता है। जैसे जो कचड़े होते हैं तेल के अंदर, जो धात्विक पदार्थ होगी, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो अनवांटेड होंगे, जो आ गए होंगे उसमें कच्चे तेल के जरिए, तो उन सब को साफ करता है, सही करता है, फिल्टर करता है। उसके बाद हम उस कच्चे तेल को कृत्रिम बना देते हैं। वो क्या हो जाएगा फिर, हमारा कृत्रिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कार्य कर दिया, तो इसका इस्तेमाल फिर हम उपयोग के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, तेल बहुत से रंगों में प्राप्त होता है। तेल जो है हमारा वो बहुत से रंगों में प्राप्त होता है। ये हल्के पीले रंग से गहरे काले रंग तक के उपलब्ध होते हैं। मतलब
कच्चा तेल जो हमारा है वो शुरुआत होगी उसकी हल्के पीले रंग से, और काले रंग तक जाती है, हल्के पीले रंग से काले रंग तक के उपलब्ध होते हैं, तथा अधिक तथा कम श्यानता का भी प्राप्त होता है। मतलब विस्कोसिटी जो है उसका गाढ़ापन, विस्कोसिटी जो है अगर हिंदी में देखा जाए श्यानता उसको बोलते हैं, तो उसको देखा जाए तो गाढ़ापन जो है वो कम से लेकर के अधिक तक होते हैं। हर तरह के श्यानता वाले तेल का उपयोग होता है। जिस तरीके से रंग है कि पीले रंग से लेकर के काले रंग तक का तेल है, उसी तरीके से श्यानता भी कम से लेकर के अधिक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है द्रव ईंधन के अंदर लक्षण, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे बाबू द्रव ईंधन के, लिक्विड फ्यूल्स के प्रॉपर्टीज अगर कोई पूछे। देखने में तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज पॉइंट में कि लिक्विड फ्यूल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो थोड़ी कठिनाई आएगी। सारे टॉपिक और पॉइंट्स एक से लगेंगे। अब अगर प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़ते हैं, मुख्य रूप से इसके लक्षण श्यानता, फ्लैश बिंदु, फ्लैश पॉइंट जिसको पढ़ते थे हम, ये मैंने अभी प्रॉपर्टीज में सारे प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। लुब्रिकेशन के अंतर्गत भी मैंने लुब्रिकेशन ऑयल्स के सारे प्रॉपर्टीज को मैंने बताया था कि श्यानता क्या होती है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु क्या होता है, गलनांक बिंदु क्या होती है, वाष्पशीलता जिसको वोलाटिलिटी बोलते हैं वो क्या होता है। तो सारे एक अच्छे गुण को मैंने बताया, इन सारे प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। तो प्रॉपर्टीज में देखिए क्या लिखा है, मुख्य रूप से इसके लक्षण श्यानता, फ्लैश बिंदु, उष्मीय मान और सल्फर की मात्रा आदि है, लेकिन जो ईंधन तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए बाबू एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, उष्मीय मान जो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी ईंधन का, उष्मीय मान मतलब ये होता है कि जिसको डिनोट करते हैं हम लोग मेगा जूल पर केजी में, जो मैं बता रहा था ना अभी, इसके पहले पीट बताया, बिटुमिनस कोयल बताया, लिग्नाइट कोयल बताया, इंथ्रेसाइट कोयल बताया, उन सब में बता रहा था कि कितना इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि उष्मीय मान, कि मेगा जूल पर केजी डिनोट करते हैं कितना पर केजी, कितनी ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा हमें दे रहा है। तो अगर देखा जाए श्यानता का गुण लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत क्यों यूज हो रहा है, क्यों आ रहा है, ताकि अगर श्यानता उसकी कम होगी या एक मीडियम रेंज पे होगी, उस एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो श्यानता किसी भी फ्यूल के अंदर, कि उसका प्रवाह अच्छे से हो सके, प्रवाह उसका अच्छे से हो सके, इसलिए श्यानता का इस्तेमाल आया है अच्छे फ्यूल्स के अंतर्गत, प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। उष्मीय मान मतलब उष्मीय मान अधिक से अधिक होगा तो अधिक से अधिक हमें उष्मा प्राप्त होगी, अभी मैंने बताया उष्मीय मान के बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। सल्फर की मात्रा जो होती है बताती है प्रदूषण कितना होगा। सल्फर जितना अधिक होगा बाबू,
प्रदूषण भी उतना अधिक होगा, धुआं उतना अधिक होगा। सल्फर की मात्रा डिसाइड करेगी प्रदूषण को। अब देखते हैं कि ईंधन के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं किसी भी लिक्विड फ्यूल्स के, तो सामान्य तौर पे, आम तौर पे कौन कौन से गुण होने चाहिए लिक्विड फ्यूल्स के अंतर्गत। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने बताया कि विशिष्ट रूप से इन सारे चीजों पे गुण जो हैं निर्धारित करेंगे। अब लक्षण भी देख लीजिए, गुण भी देख लीजिए। इनका उष्मीय किसी भी लिक्विड फ्यूल का, भाई जाहिर सी बात है उसका उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उष्मीय मान मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है क्यों अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलोरीफिक वैल्यू हमारी अधिक होगी, कैलोरीफिक वैल्यू अगर हमारी अधिक होगी तो ही हमें अधिक उष्मा प्राप्त होगी किसी भी लिक्विड फ्यूल से। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह है ज्वलनशील वाष्प इसके ज्वलन तापमान पर पहुंचने से पहले न देने वाला होना चाहिए। मतलब क्या है, कि ज्वलनशील मतलब होता है इनफ्लेमेबल, मतलब कि उसका एक पॉइंट निर्धारित होगा किस पे वो इग्नाइट होगा, जलेगा, बर्न करेगा, दहन करेगा, आग लगेगी। ऐसा ना हो कि किसी भी पॉइंट पे वो जल जाए। तीसरा पॉइंट, अधिक श्यानता वाला नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बाबू अधिक श्यानता वाला होगा, अधिक श्यानता वाला होगा तो अगर श्यानता बढ़ेगी तो हिंदी में अगर देखा जाए अपनी भाषा में तो उसका गाढ़ापन बढ़ेगा। जैसे पानी है, पानी में अगर आप स्टिर करते हो, मतलब चम्मच घुमा रहे हो, सिर्फ पानी है, शुद्ध पानी, तो बहुत ही आराम से घूमेगा। लेकिन अगर उसमें 4, 5, 6, 7 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, फिर घुमाया, तो थोड़ा सा अवरोध पैदा होगा, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए, उसको घुमा दिए, तो क्या हो रहा है, वो गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। जैसे दूध होता है, शुद्ध दूध जब आप गर्म नहीं किए होते हो तो उसकी श्यानता कुछ और होती है, लेकिन जब गर्म करते हो और खौलाते हो धीरे धीरे तो दूध जलने लगता है आपका। और जल करके क्या होता है, अगर 1 किलो दूध है तो पता चलेगा कि आधा लीटर बचा है। तो आधा लीटर बचने का मतलब है कि उसका गाढ़ापन और बढ़ गया है, मोटा हो जाएगा दूध, तो प्रवाह करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जितना पतला होगा उतना अच्छे तरीके से फ्लो करेगा। समझ रहे होंगे बात, अब श्यानता का मतलब। अब आगे अगर देखते हैं चौथा पॉइंट,